ठीक है जी, लेंस का चैप्टर शुरू कर दिया। अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल मेड फ्रॉम प्लास्टिक और ग्लास यूज इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट सच एज कैमरा प्रोजेक्टर्स और स्पेक्टेकल्स। ठीक है, जो आँखों के लिए आप यूज़ करते हैं ग्लासेस वगैरह, वो नज़र कमज़ोर अगर किसी की हो तो उनके लिए, या फिर किसी भी तरह के ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में जो प्लास्टिक या ग्लास का ट्रांसपेरेंट मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं वो एक्चुअली लेंस है। लेंस दो तरह के होते हैं, कॉन्वेक्स या कॉनकेव। कॉन्वेक्स लेंस का मतलब है कन्वर्जिंग लेंस, मतलब ये लाइट रेज को फोकस करता है एक पॉइंट पर, और कॉनकेव लेंस का मतलब है डाइवर्जिंग लेंस, इसका मतलब है लाइट रेज को स्प्रेड करता है, दूर दूर करता है। ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, आप इसकी शक्ल देख सकते हैं, और ये कॉनकेव लेंस है, ये कुछ इस तरह का होता है। कॉन्वेक्स लेंस देख रहे हैं लाइट रेज को एक जगह पर फोकस कर रहा है, और कॉनकेव लेंस लाइट रेज को स्प्रेड कर रहा है, दूर दूर भेज रहा है। ठीक है, अब लेंस को समझने के लिए चार टर्मिनोलॉजीज हैं वो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली टर्मिनोलॉजी है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। ये जो आप डॉटेड लाइन देख रहे हैं यहाँ पर, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। सर इनकी वो हमसे डेफिनेशन पूछेंगे या बस ऐसे ही क्वेश्चन देंगे उनको बनाने का? बेटा मैं आज मेल करूँगा उनको ताकि वो मुझे बता दें कि क्या क्या पूछने वाले हैं और कैसे सवाल। मेरा मतलब है तो पूछते हैं वैसे। कुछ भी पूछा जा सकता है, मतलब वो कोई आपको इन्विटेशन देंगे कोई कि भाई ये चीज़ें जो है ना वो पूछ सकते हैं आपसे या नहीं पूछ सकते, या आप वो बोलेंगे भाई आप बताएंगे। तो पूछा इसकी डेफिनेशन आती है कि नहीं आती, मतलब इसका मतलब ये है तो पूछ ही रहा है भाई। अब अभी तक नहीं आई है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि वो पूछ नहीं सकता। अब्दुल रहमान तुम भी अपने कजन को जस्टिफाई करते रहो, सवाल देखो जरा उसका। सर कोई बात नहीं ना, छोड़ दें आप। अच्छा चलो भाई छोड़ दिया। अब्दुल आज जब जो कुछ इसमें पढ़ाया जा रहा है ना वो कुछ भी किसी भी तरीके से पूछ सकता है। वो ये भी पूछ सकता है लेंस कहते किसको है, मतलब एग्जामिनर को हम रिस्ट्रिक्ट थोड़ी कर सकते हैं। एक टॉपिक का नाम लिखा हुआ है, अब वो उसकी मर्जी है, जिस तरह जैसा उसको पूछ, वो मैच द कॉलम पेपर में कुछ भी दिखाया जा सकता है, लेंस में पूछ सकता है, वो किसी भी तरह पूछ सकता है। ये कहीं चीज डिफाइंड नहीं है कि वो आपसे पूछेंगे कैसे। ठीक है, इसका बस ये एक तरीका ही हो सकता है, हम अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए होता है कि एक टॉपिक के तमाम क्वेश्चंस जो हमारे पास पास्ट पेपर्स में अवेलेबल है वो हम कर लें, लेकिन उसको करने के बाद भी ये गारंटी नहीं होती कि अब तक जिस तरह के सवाल आए हैं अब भी सवाल वैसे ही आएंगे। मतलब एक क्लोज एस्टिमेशन आप उसको कह सकते हैं, लेकिन वो गारंटी नहीं होती। ठीक है, तो जो चीज़ पढ़ाई जा रही है उसको सिर्फ समझ लें, पूछने का खौफ दिल से निकाल दें, क्योंकि जब आपको चीज़ समझ आ जाती है तो वो जिस तरह दिल चाहे पूछे वो आपको जवाब देना आता होगा। प्रिंसिपल एक्सिस इस इमेजिनरी लाइन को कह रहे हैं, ये डॉटेड लाइन जो बनी हुई है। ठीक है, और ये मेरे ये जो लेंस है ना इसकी एक्सिस के साथ 90 डिग्री पे। ठीक है, और ये ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है। अब ऑप्टिकल सेंटर किसे कहते हैं? लेंस का ज्योमेट्रिक सेंटर जो है इसको हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर, इसको कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, बिल्कुल मिड पॉइंट जो लेंस का इसको ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। दो बातें हो गई। तीसरी बात प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट जहां लाइट रेज फोकस हो। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस का मतलब द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस एट विच द लाइट रेज आर फोकस्ड। तीन बातें हो गई। चौथी बात फोकल लेंथ। लेंथ का मतलब होता है डिस्टेंस, और डिस्टेंस है तो ऑफकोर्स दो पॉइंट्स के दरमियान होगा, तो एक पॉइंट है ऑप्टिकल सेंटर और दूसरा पॉइंट है प्रिंसिपल फोकस। तो डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड द ऑप्टिकल सेंटर इज कॉल्ड फोकल लेंथ। अच्छा, प्रिंसिपल फोकस को फोकल पॉइंट भी कहते हैं। अगर कहीं पर फोकल पॉइंट की डेफिनेशन आएगी तो भी आप फोकल प्रिंसिपल फोकस की ही डेफिनेशन लिखें। फोकल पॉइंट या प्रिंसिपल फोकस एक ही बात है, ये कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर फोकल लेंथ पूछे तो फोकल लेंथ पॉइंट नहीं है, डिस्टेंस है बिटवीन सी एंड एफ, व्हिच मींस ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस। इस पूरी स्लाइड में मैंने आपको बताया लेंस किसे कहते हैं, कितने टाइप्स के लेंस होते हैं, और चार टर्मिनोलॉजीज आपको बताएं। बताएं, क्लियर है आपको? इसमें कोई सवाल है तो पूछें। एक बार फिर रिपीट कर दें। लेंस का मतलब कोई भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल जिसमें ग्लास और प्लास्टिक आ गया आपके पास, और ये यूज होता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में, जैसे कि कैमरा, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, किसी भी तरह का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है वो यूज होगा। दो तरह के लेंस हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। कॉन्वेक्स में आके सर वो फोकस होता है, और कॉनकेव में वो फोकस से जो है वो स्प्रेड आउट हो जाता है। यस, कॉनकेव में लाइट रेस स्प्रेड करती हैं और कॉन्वेक्स में फोकस करती हैं। और आप अब्दुल अहद कोसो बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, जो दूसरी हमने आगे चल के पढ़नी है कॉनकेव में, वहाँ पर हम दोबारा रिपीट करेंगे, तब आप बताइएगा। सही है,
दो बातें हो गई, कॉन्वेक्स किसे कहते हैं और कॉनकेव किसे कहते हैं, ये आपने बिल्कुल अच्छा बता दिया। अब चार बातें मुझे बताएं, प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं? इमेजिनरी लाइन जो पास सेंटर से ऑफ द लेंस। वेरी गुड। ऑप्टिकल सेंटर किसे कहते हैं? ज्योमेट्रिक सेंटर जो होता है ऑफ सेंटर लेंस का। प्रिंसिपल फोकस किसे कहते हैं? सर जहाँ पे पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू व्हिच लाइट पास आफ्टर रिफ्रैक्शन। और फोकल लेंथ किसे कहते हैं? डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द ऑप्टिकल सेंटर। सर वेरी गुड। यस सर, ये प्रिंसिपल फोकस सर ये डायग्राम में बताएं सर कहाँ है सर, फिर समझ आएगा सर। इसके जो पीछे वाली रेज हैं सर वो यहाँ से रेज आ रही हैं, यहाँ फोकस हो रही हैं, दिस इज प्रिंसिपल फोकस। ओके सर ठीक है। किसी ने कुछ पूछना है, लड़कियों में से किसी ने कोई सवाल करना है तो कर लें। लड़कियों के लीडर सारा शेख आप जवाब देते हैं। नहीं सर समझ आ गया। ओके क्योंकि लड़कियों से जब भी मैं लड़कियों का नाम लेता हूँ सिर्फ सारा की जवाब आती है, बाकी लोग बोलते हैं कोई मसला नहीं, लीडर ने जवाब दे दिया। अरे बात ये है असलिया का नाक बन रहा है तो वो घर पे। नहीं सर मैं भी ये बोलने वाली थी। बाकी किसका नाक बंद है? असलिया का। असलिया है कहाँ, आएगी क्लास में? नहीं सर वो होती तो मैं थोड़ी ना बोल रही होती, वही बोल रही होती है। ठीक है ओके। अच्छा जो बातें हमने लास्ट स्लाइड में की हैं वो देखें, यहाँ पर मैंने डायग्राम में बना भी दिया। प्रिंसिपल एक्सिस ये लाइन है लंबी वाली, ठीक है, जो लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है। ये लेंस है और ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये प्रिंसिपल फोकस है और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को फोकल लेंथ कहते हैं। सही है, क्लियर है ना ये? क्योंकि ये चार इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट तरीन बातें हैं, अगर ये पता ही नहीं होंगी तो कुछ नहीं कर सकते यार। यस सर क्लियर। अब कुछ रूल्स हैं सही है जिसके थ्रू आप इमेज फॉर्मेशन करते हैं। इस रूल की लॉजिक्स में जाने की जरूरत नहीं है, उसको रूल को रूल ही समझा जाए, जैसे बिल्कुल वैसे कि अगर आप एक बॉल को हिट करें और वो ग्राउंड से बाहर चली जाए तो हम कहते हैं 6 रन हो गए, और उसमें कोई लॉजिक तलाश करने की जरूरत नहीं है, रूल है तो रूल। रूल नंबर 1 ये कहता है कि जो लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी वो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास करे। रिफ्रैक्शन का मतलब है लेंस से बेंड होने के बाद फोकस से पास करे, ठीक है, दिस इज रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 पता चल गया आप लोगों को, लाइट रे पासिंग पैरेलल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पास फ्रॉम फोकस, दिस इज रूल नंबर 1। ठीक है अब रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 क्या कहता है? जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो, सही है, वो बेंड नहीं होती, वो स्ट्रेट चली जाती है। देखें आप लाइट रे, ये वाली जो लाइट रे है वो स्ट्रेट जा रही है, ये वाली जो लाइट रे है ये भी स्ट्रेट जा रही है। जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी वो बगैर बेंड हुए अनडेविएटेड स्ट्रेट चली जाएगी। इज दिस क्लियर? दो रूल्स हो गए। yes, ठीक है अब रूल नंबर 3 रूल नंबर 1 का ओपोजिट है। रूल नंबर 1 का ओपोजिट क्या हो सकता है आप लोग मुझे बताएं? सर जो प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी, जो मतलब फोकस पॉइंट से पास करेगी लाइट को पैरेलल जाएगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल जाएगी। वेरी गुड अब्दुल्ला, तुम बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हो। अच्छा जी अब एक क्वेश्चन आप सबने लिखना भी है, पढ़ना भी है और उसको जल्दी से उससे ने ड्राइंग करनी है। उस क्वेश्चन को देखें, एक ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट है 2 सेंटीमीटर और ये ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स लेंस से 5 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है। आपने इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना है,
और इस लेंस की, कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर है. इस पूरे क्वेश्चन में चार बातें आपको बताई गई हैं. सबसे पहली ये कि ऑब्जेक्ट की हाइट 2 सेंटीमीटर है. दूसरी बात, ऑब्जेक्ट लेंस से 5 सेंटीमीटर दूर है. लेंस की फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर है और ये लेंस कॉन्वेक्स लेंस है. ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे. प्रिंसिपल एक्सिस बनाने के लिए कोई लेंथ की जरूरत नहीं है, जितना दिल चाहे. नॉर्मल बनाते हैं ना फिर. हाँ, तो बीच में भी लाइन बनाते हैं ना. वो बीच में जो लाइन है ये लेंथ है बेटा, लाइन नहीं है. सॉरी, लेंस की लेंथ दी भी है. नहीं, वो भी आपकी मर्जी, आप जितना बड़ा लेंथ दिल चाहे बना लें. छोटा नहीं होना चाहिए, बड़ा होना. ठीक है, लेंस ऑब्जेक्ट से हमेशा बड़ा होता है. ठीक है, फिर फोकल पॉइंट मार्क करना है 2 सेंटीमीटर दूर. देखें, फोकल पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर से 2 सेंटीमीटर दूर है. ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूर है और ऑब्जेक्ट की हाइट है 2 सेंटीमीटर. ये जितना कुछ मैंने एक सेकंड सर, अब वो जल्दी चले गए, थोड़ा आहिस्ता से बताएं. दोबारा बता रहा हूँ, सबसे पहले अच्छा भी करते जाएं आप लोग जरा साथ साथ ना. जिन लोगों ने लेंस बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ वो मैं कहूँगा कॉपी में जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे करते जाएं. सही है, सबसे पहले ये लाइन बनाइए वाली. इस लाइन की लेंथ की जरूरत नहीं होती. वालेकुम सर. वालेकुम सलाम सर. इस लाइन की लेंथ की जरूरत नहीं होती, ये इमेजिनरी लाइन है. आप जितना दिल चाहे लंबी इस लाइन को बना लें. ठीक है, फिर इस लाइन के बीच में एक लेंस बनाए. बना ली सर. फिर फोकल पॉइंट मार्क करें 2-2 सेंटीमीटर दूर, क्योंकि गिवन है ऊपर के फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर और फोकल पॉइंट दोनों तरफ होता है लेंस के. जितना दूर इधर होगा उतना ही दूर उधर भी. फोकल पॉइंट मार्क करके बताएंगे. कर लिया सर. फिर ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर दूर है और ऑब्जेक्ट की हाइट 2 सेंटीमीटर है. ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर दूर है लेंस से. हर लेंथ लेंस से ही मेजर की जाती है. लेंस से ऑब्जेक्ट तक की जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट खुद 2 सेंटीमीटर हाइट है ऑब्जेक्ट की. ठीक है सर, यहाँ तक सबने कर लिया है? कर लिया सर. सर हाइट सर फिर से बताएं सर. 2 सेंटीमीटर है लिखा हुआ है. सर अभी जो लाइन हम पास करेंगे फोकल के थ्रू पास होगी या सीधा जाएगी? अब आपने करना यह है कि ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से लाइट रेज लेंस में एंटर हो रही है और लेंस से पास होने के बाद आगे रिफ्रैक्ट होंगी. तो हम सारी लाइट रेज तो नहीं बना सकते, तो हम एक लाइट रे बना रहे हैं ऑब्जेक्ट के हेड से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. ये जो ब्लू लाइट रे आप बनाएं, दिस लाइट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. बना ली सर. जो लाइट रे पैरेलल जाती है वो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास करती है. सर ये खाली कॉनकेव में होता है? ये कॉनवेक्स में होता है. कॉनवेक्स पढ़ने हैं ये उसका. जो अभी हमने रूल पढ़े हैं ये कॉनवेक्स के हैं और अभी सिर्फ कॉनवेक्स तक सोचें, कॉनकेव के बारे में अभी ना सोचें. रूल वन के बाद अब आप रूल टू फॉलो करेंगे. रूल टू कहता है कि जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी वो स्ट्रेट चली जाएगी. तो आप हेड से ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू एक लाइट रे बनाएं और उस लाइट रे को स्ट्रेट पास कर दीजिएगा, बेंड नहीं करना है, स्ट्रेट ले जाएं. बना ली सर. ये दोनों लाइट रेज यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं और ये लाइट रेज आई हैं हेड से. जहाँ पर लाइट रेज इंटरसेक्ट कर रही हैं यहाँ पर हेड बनेगा ऑब्जेक्ट का. इसका मतलब है टेल बनेगी प्रिंसिपल एक्सिस पे. तो ये रहा ऑब्जेक्ट, ये इमेज है इसको.
हेड की लाइट रेज यहाँ पर मिल रही है तो यहाँ पर हेड बन रहा है, टेल की लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस पर ही होंगी। सर आपकी आवाज चली गई थी या सर मेरा नेट चला गया था? आपका नेट। सर तो ये फिर से सर बता दें। मैं कह रहा हूँ ऑब्जेक्ट की हेड की जो लाइट रेज हैं वो यहाँ फोकस हुई हैं। ओके सर। तो यहाँ पर इमेज का ऑब्जेक्ट का इमेज जो बनेगा ना उसका हेड होगा। ओके सर, फिर खाली लाइन बना देंगे। लाइन बना दें और हेड यहाँ बनाएं, नीचे बनाए हैं तो ऊपर नहीं बनाए। सही है। सारा जी सर, अब मुझे देख के बताएं, ऑब्जेक्ट को देखें और इमेज को देखें, सेम साइज है या इमेज छोटा है? सर इमेज छोटा है। छोटा है, दूसरी बात इमेज छोटा है। अपराइट है या इन्वर्टेड है, उल्टा बना हुआ है या सीधा बना हुआ है? इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड। सारा का भी तो जवाब आना चाहिए। जी सर इन्वर्टेड है। और तीसरी बात यह है कि क्या ये रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज है? रियल है। रियल है। इस चीज को रटना भी है और समझना भी है। सही है। रटना ये है कि अगर ऑब्जेक्ट लेंस के सॉरी इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के दूसरी साइड पर बन रहा है, मतलब लेंस के ऑपोजिट साइड पर इमेज बन रहा है तो रियल इमेज होगा। सही है। लेकिन अगर इमेज ऑब्जेक्ट वाली साइड पर ही बन जाए तो उसको हम वर्चुअल इमेज कहेंगे। ये याद करने वाली चीज़ है। और समझने वाली चीज़ क्या है, रियल इमेज वो इमेज होता है जो ऐसी जगह बने जहाँ पर लाइट रेज फोकस हो, तो यहाँ पर लाइट रेज फोकस हो रही हैं इसलिए ये रियल इमेज है। जी सर ठीक है। जी सर। अब तीसरी बात, तो सॉरी ये तीनों बातें अब आपने इमेज की प्रॉपर्टीज के लिए लिख दी हैं। स्मॉलर इमेज इज स्मॉलर, ठीक है। स्मॉलर को डिमिनिश भी कह सकते हैं या लिखा हुआ है तो उसको आइडेंटिफाई कर लीजिएगा। इन्वर्टेड है इमेज, दूसरा ये कि वो रियल है। ये हो गई प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज जो कि ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ड्रॉ इट्स इमेज एंड राइट डाउन इट्स प्रॉपर्टीज। ठीक है जी सर। अब ये जो प्रॉपर्टीज हैं इमेज की, स्मॉलर इन्वर्टेड और रियल, ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये होती हैं कैमरा या आई में, मतलब जब आप किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो आपकी आंख में जो इमेज बन रहा होता है वो स्मॉलर होता है, इन्वर्टेड होता है और रियल होता है। इसी तरह से अगर आप कैमरा से कोई इमेज कैप्चर कर रहे हैं, तस्वीर ले रहे हैं, तो वो जो तस्वीर आपने ली है वो स्मॉलर होती है, वो इन्वर्टेड होती है और वो रियल होती है। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। फिर एक चीज है मैग्निफिकेशन, जो बायो के स्टूडेंट्स हैं उनको बायो में भी ये पढ़ाई जाती है। मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, जब आप रेशियो लिखते हैं तो फिर आप अपॉन नहीं लिख सकते। सही है। हम अपॉन लिखना चाहे तो अपॉन भी लिख सकते हैं, फिर आप रेशियो नहीं लिखेंगे। मैग्निफिकेशन इज हाइट अपॉन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यस लिख सकते हैं। सही है। तो अगर मैं आपसे बोलूं इसका रेशियो कैलकुलेट करें, मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करें, तो क्या करेंगे आप? सर इमेज की हाइट को डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट की हाइट कर देंगे। तो तुम देख के बताओ, तुमने तो डायग्राम बना ली होगी नहीं? वाली जी सर बना ली। इमेज हाइट कितनी है? एक सेकंड। 1.3 सेंटीमीटर आ रही है। अच्छा, बाकी सारा सर जी सर 1.3 आ रही है इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट तो 2 है।
ठीक है. अच्छा ये जो लिखा हुआ है ना फाइव, फोकल लेंथ तीन, टू, तो मैं इसको ग्रेटर देन 2f कह सकता हूँ या नहीं? कह सकते हैं सर. कभी भी ये वाली बात जरा गौर से सुन लीजिएगा, ये सिर्फ अच्छे बच्चों को समझ आएंगी. अगर आपको नहीं समझ आ रही तो स्टैंडर्ड हाई कर लेना. ठीक है, ऑब्जेक्ट की फोकल लेंथ कितनी है, लेंस की फोकल लेंथ कितनी है? 2 सेंटीमीटर. यस सर. ऑब्जेक्ट कितना दूर है? 5 सेंटीमीटर. 5 सेंटीमीटर. अब मैं कह रहा हूं एक लेंस और है, ये वाला लेंस नहीं है, एक और लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, लेकिन उसकी फोकल लेंथ है 1 सेंटीमीटर. कितनी है? 1 सेंटीमीटर. मैं ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहा हूं 3 सेंटीमीटर दूर, सही है? सही है जी सर. प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज क्या होंगी सर? बड़ी होगी सर, मैग्नीफाइड सेम होंगी. यही कहा था अभी के, जरा और से सुन लेना, सुन समझ लेना. सेम होंगी, जो निकाला यही होगा. देखो दोबारा सुन लो मेरी बात दोबारा. फोकल लेंथ कितनी बताई मैंने? फोकल लेंथ आपने बताई है किसकी सर? अभी नया क्वेश्चन बताया मैंने आप लोगों को. मैंने बोला कि फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर बताया. 1 सेंटीमीटर. पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है? 3 सेंटीमीटर. तो ये ग्रेटर देन 2f नहीं है क्या? है सर. है. तो सेम बनेगा, ये बनेगा. ओके सही सही सही. ठीक है सर. बात समझ आई या नहीं आई? यस आ गई सर. ठीक है, क्वेश्चन दूसरा एक और करें. इसमें पोजीशन 4 सेंटीमीटर रखें, ऑब्जेक्ट हाइट 2 सेंटीमीटर रखें, फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर है और लेंस कॉन्वेक्स है. डायग्राम ड्रॉ करके बताएं, प्रॉपर्टीज बताएं जल्दी से, सॉल्व करें. फिर 2 मिनट में मैं डिस्कशन कर दूंगा. ठीक है, 2 मिनट से ज्यादा नहीं है अपन पास, तेज तेज काम कर. बना ली सर, ये भी वैसे ही सर बनी सेम, पर उससे थोड़ी छोटी है, लेकिन है सर सेम ही है. बाकी लोग बताएं. सर इसमें ऑब्जेक्ट की लेंथ ज्यादा बड़ी आ रही है. सेम साइज इनवर्टेड सर. ये मेरी ऑब्जेक्ट की लेंथ सर 2 सेंटीमीटर तो नहीं आ रही, इससे कम आ रही है. 2 ही आएगी दोबारा. सर मेरी 1.9 आ रही है.
1.9 को 2 कंसीडर करेंगे, वो जरा सा जो एरर है वो किया जा सकता है इसके अंदर। 1.9 या 2.1 आए तो आप सेम साइज कह सकते हैं। सही है, इसके जो यूज है वो है फोटोकॉपियर। जब आप फोटोकॉपियर के थ्रू इमेज, मतलब पेपर की इमेज या पेपर को प्रिंट करते हैं, तो वो पेपर सेम साइज जो है वो प्रिंट होता है। ऐसे फोटोकॉपियर में इस तरह का लेंस कॉम्बिनेशन यूज होती है कि ऑब्जेक्ट 2f पर होता है, विच मीन्स फोकल लेंथ के ट्वाइस पर होता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड 2f बिकॉज f इज 2 सेंटीमीटर, सो p4 मीन्स 2f, और 2f पर सेम साइज का इन्वर्टेड और रियल इमेज बनता है। क्लियर है यहाँ तक? जी सर। अब आप p3 करें, जल्दी जल्दी। दो मिनट है सबके पास। सर ये जो दूसरी लाइन पास होगी वो सर ओरिजिन से होगी सर, ये मतलब ये जो लेंथ है सर उसके। रूल टू क्या होता है बेटा गजैन? सर मेरी बस वही गलती थी सर। सर मेरी इमेज की हाइट 3.6 बन रही है। इमेज बड़ा बन रहा है ना? जी सर। ठीक है, तो जब भी ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड 2f होगा, बिटवीन एफ एंड 2f का मतलब है 2 सेंटीमीटर से ज्यादा और 4 सेंटीमीटर से कम, समझ आ रही है बात? बिटवीन एफ एंड 2f का मतलब है ग्रेटर देन 2 लेस देन 4। सर तो मेरी 3.2 आ रही है सर, अब सही है? हाँ सही है। तो आप देखें प्रॉपर्टीज यही है ना आपकी इमेज की, मैग्नीफाइड है, रियल है और इन्वर्टेड है। इसकी मैग्नीफिकेशन आप निकालेंगे तो वो ज़्यादा आ रही है, 1 से ज़्यादा आएगी। ये यूज़ होता है प्रोजेक्टर में। सर ग्रेटर देन 2 मतलब 4 आ सकती है ना? मतलब सर मेरी 4 आ रही है मैग्नीफिकेशन। हाँ जी सर। तस्वीर भेजना जरा ग्रुप में ताकि हम सब जरा देखें 4 कैसे आती है। सर तो मेरी 3.6 आ रही है, सही नहीं है? तुम्हारी इमेज कितना आया था? 3.6 मैग्नीफिकेशन तो 4 नहीं आ रही। नहीं नहीं सर मैग्नीफिकेशन नहीं आ रही।
फैजान तो कह रहा है मैग्नीफिकेशन 4 आ रही है। अच्छे से मैं सुना नहीं सही। फैजान ने, फैजान इसकी लेंथ लो जरा कितनी आ रही है, मैग्नीफिकेशन तुम्हारे पास 2 बेटे 4 तो नहीं आ रही। तुम्हारे पास इमेज हाइट 4 आ रही होगी बेटा, तुम मैग्निफिकेशन 4 पर। सर ये सर मैंने बनाया सर, देखें वो सही है। दोनों ने सही बनाई है, आपने भी सही बनाई है, फैजान ने भी ठीक बनाई है। ठीक है, मैग्निफिकेशन फैजान रेशियो लेकर आती है, तुम लेंथ ऑफ इमेज बता रहे हो और बोल रहे हो मैग्निफिकेशन। सॉरी सर। ठीक है निखिल, सही आ रही है आपकी भी। ओके जी, नेक्स्ट P1 बनाएं जल्दी से सब। सही है तो ओरिजिन से ही पास नहीं हो रही। वो तो भाई जी सर ये पास नहीं हो रही सर, पास नहीं हो रही। सर ये आपने वो डाइवर्जिंग का तो नहीं दे दिया? नहीं। ये हो रहा है जी सर। ठीक है लेकिन अगर मैं इन लाइट रेज को एक्सटेंड कर दूं तो ये लाइट रेज ऑब्जेक्ट की तरफ मीट कर रही है यहाँ पे या नहीं? कर रही है सर। तो इसका इमेज लेफ्ट साइड पे बनेगा, राइट पे नहीं बनेगा। इसका मतलब है ये इमेज वर्चुअल हो। दूसरी बात ये है कि ऑब्जेक्ट का हेड है ना, हेड की लाइट रेज ऊपर ही बन रही है, तो ये इन्वर्टेड भी नहीं है, ये अपराइट है। अपराइट को इरेक्ट भी कहते हैं। वर्चुअल इमेज सो मैग्नीफाइड है, अपराइट है एंड वर्चुअल है। यूज इसका है मैग्नीफाइंग ग्लास, विच मीन्स कि आप जब यहाँ से इमेज देखेंगे तो आपको ऑब्जर्व होगा, इस जगह से आपको इमेज ऑब्जर्व होगा, राइट साइड से अगर आप लेफ्ट साइड से अगर देखेंगे इमेज के तो लेंस के तो आपको इमेज ऑब्जर्व नहीं होगा। लेंस के राइट साइड से अगर आप देखेंगे तो ऑब्जेक्ट की तरफ ही आपको इमेज नज़र आ रहा होगा, विच मीन्स के कुछ इस तरह का काम है। दिस इज मैग्नीफाइंग ग्लास, जिस तरफ ऑब्जेक्ट है इमेज भी उसी तरफ बनता है। अपराइट होता है, मैग्नीफाइड होता है और वर्चुअल होता है। वर्चुअल का मतलब जहाँ पर लाइट रेज इमेज बना रही हैं वहाँ पर लाइट रेज फोकस नहीं हो रही। द वर्ल्ड थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास। यस। ठीक है, ये समझ आ गया यहाँ तक? जी सर। यहीं तक रखें या आगे चलें?
सर कॉनकेव भी करवा दें। 5 मिनट में जरा कॉनकेव लेंस करा देते हैं, फिर क्लास एंड करेंगे, फिर हम जो डिफेक्ट्स ऑफ विजन है नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। डाइवर्जिंग लेंस व्हिच इज कॉनकेव लेंस, इसकी दो जो है वो रूल हैं। रूल नंबर 1 क्या कहता है, सारा पढ़ें। Light ray passing parallel to principal axis after refraction from concave lens appear to be coming from focus. इसका मतलब ये है कि जो light ray principal axis के parallel आएगी, वो refraction के बाद ऐसा लगेगा कि वो कहाँ से आ रही है? Focus से आ रही है। जी सर। मतलब अगर focus करीब होगा, कम हो जाएगा। सर अब क्या आवाज नहीं आ रही थी? सर अब तो 100% आपका हूँ। हाँ सर आप आवाज नहीं आ रही। अच्छा इस दफा मैंने बिल नहीं पे किया मैं लग रहा है। हैं अब्दुल आद कौसो? नहीं सर मैं आपको कब? ओके दोबारा अब मैं वेट कर रहा था कि इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल हो जाए, मेरी आवाज ठीक आए तो बताएं। जी सर अब सही हो गई है। सही आ रही आवाज अब मेरी? जी सर। यस सर। ओके मैं कह रहा हूँ इस चीज का, इस लाइन का मतलब ये है कि वो लाइट रे जो पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस से, वो रिफ्रैक्शन के बाद ऐसा लगेगा कि वो फोकस से आ रही है। मतलब स्प्रेड तो होगी, लेकिन कितना स्प्रेड होगी ये फोकल लेंथ डिसाइड करेगी। अगर फोकल लेंथ कम है इसका मतलब है प्रिंसिपल फोकस ऑप्टिकल सेंटर से करीब है, तो फिर स्प्रेड ज़्यादा होगा, ठीक है। और अगर फोकल पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस से दूर है, मतलब फोकल लेंथ ज़्यादा है, तो फिर स्प्रेड कम होगा। क्लियर है ये बात? यस सर। दूसरा आप देखें लेंस का सिंबल मैंने चेंज किया है, ये कॉनकेव लेंस है, इसका सिंबल मैंने आप देख लें डिफरेंट है। रूल 2 सेम है, जो रूल 2 कॉनवेक्स लेंस के लिए था वही कॉनकेव लेंस के लिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। अब इसका क्वेश्चन देखें, सेम क्वेश्चन है लेकिन लेंस अब कॉनवेक्स नहीं है, कॉनकेव है, तो क्या चेंज आएगा? पूरा क्वेश्चन देखें और उसको ड्रॉ करना है आप लोगों ने, लेकिन रूल्स कॉनकेव के यूज करने हैं, कॉनवेक्स के रूल यूज नहीं करने। एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट 2 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर दूर है, लेकिन कॉनकेव लेंथ से, और इस लेंस की फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर है। आपने इस लेंस से इस ऑब्जेक्ट का इमेज ड्रॉ करना है और इमेज की प्रॉपर्टीज बतानी है, ठीक है। वही रूल्स फॉलो करेंगे, लेकिन जो भी कॉनकेव लेंस वाले यूज, पहले कॉनवेक्स लेंस के लिए जिस तरह यूज कर रहे थे रूल्स, अब आपने कॉनकेव वाले रूल्स यूज करके इमेज ड्रॉ करना है बाय कॉनकेव लेंस। ये चीज़ें आपको इस क्वेश्चन में गिवन है, वही करेंगे आप। पहले प्रिंसिपल एक्सिस, फिर लेंस बनाएंगे, लेकिन ये लेंस कॉनकेव लेंस होगा, फिर फोकल पॉइंट मार्क करेंगे 2-2 सेंटीमीटर दूर, फिर 5 सेंटीमीटर दूर 2 सेंटीमीटर हाइट का ऑब्जेक्ट होगा, फिर रूल नंबर 1 क्या है आप जल्दी से बताएं आप लोग मुझे। सर ऑब्जेक्ट की जो मतलब ऊपर से लाइन कर, वो करेंगे जो पैरेलल से, पैरेलल से आएगी ऐसा लगेगी कि फोकल पॉइंट से आ रही है, ठीक है। और रूल 2 सेम है जो मैंने आपको बताया था, ये दोनों लाइट रेज आप देखें यहाँ पर कट कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इमेज बनेगा। अब ये इमेज अगर आप ऑब्जेक्ट से कंपेयर करते हैं तो ये इमेज छोटा है, सही है, अपराइट है, वर्चुअल और डिमिनिश्ड है, सही, वर्चुअल अपराइट और डिमिनिश्ड, छोटा है, वर्चुअल है। वर्चुअल इसलिए क्योंकि ये आप देख रहे हैं डॉटेड लाइट रे है, इसका मतलब यहाँ पर लाइट रे है नहीं जहाँ पर इमेज बन रहा है, ठीक है। बस सर कॉनकेव में भी यही है,
कॉनकेव में अब आप चाहे P5 करें, P4 करें, P3 करें, P1 करें, हमेशा इमेज प्रॉपर्टीज सेम रहती है. तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पर, इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव लेंस हैज ऑलवेज द सेम प्रॉपर्टीज. सो आप चाहे ऑब्जेक्ट पोजिशन कुछ भी रखें, हमेशा वर्चुअल अपराइट और डिमिनिश्ड इमेज बनेगा कॉनकेव लेंस से. कॉनवेक्स लेंस में इमेज प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, चेंज होती हैं बाय चेंजिंग द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है, लेकिन कॉनकेव लेंस में पोजिशन चेंज करने से इमेज प्रॉपर्टीज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा वर्चुअल अपराइट और डिमिनिश्ड इमेज बनता है. ठीक है सर. अच्छा सर, आप वो सेंसिटिविटी वाला कब करवाएंगे? सेंसिटिविटी, रिस्पॉन्सिवनेस, रेंज वगैरह फीचर का? अच्छा, मैंने अब यही बोलना था आप लोगों से, कल आप लोगों को एक मिनट मीटिंग में एंड कर दूं, जरा इसमें जरूरत नहीं है इसकी. मीटिंग मींस रिकॉर्डिंग एंड कर रहा हूं. सही है, मीटिंग एंड सर. तो कल दो क्लासेस रखेंगे ना?